नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं ए इज द न्यूज। पानीपत खटीमा राज्य मार्ग पर 10 फीट सड़क बैठने पर धामपुर नहटोर से बिजनौर जाने वाले मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई। आपको बताते चलें कि धामपुर नहटोर मार्ग पर पृथ्वीराज पुलिस चौकी के पास 8 से 10 फीट सड़क के बैठने पर धामपुर में प्रयास हॉस्पिटल के पास रोड डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसमें नहटोर बिजनौर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप PWD में कर्मचारी हैं, अपने अधिकारियों को आपने अवगत करा दिया? क्या कहना है अधिकारी लोग आ रहे हैं सर, एक आध दिन में जो है जो भी कुछ करेंगे ये चालू हो जाएगा। प्रशासन व जिला अधिकारी धीरेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और PWD के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उनके अवगत कराने के बाद भी एक घंटे तक कोई भी PWD का अधिकारी मौके पर नहीं पहुँचा। धामपुर नहटोर मार्ग पर ये मेन रोड पर ही एक पुलिया है और वो आज मिट्टी के धंसने से उसमें कुछ मतलब वो धंस गई है और PWD विभाग की सड़क है। PWD विभाग के अधिकारियों को बता दिया गया है, वो आ रहे हैं, मौके पर काम सुचारू करने की व्यवस्था की जा रही है। पूर्ण रूप से बंद है रोड? हाँ, और इस जगह का ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है, इस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, किसी प्रकार की ऐसी घटना ना हो जिससे किसी को जनहानि हो, इसलिए इस रोड को बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक डाइवर्ट करके दूसरी रोड से ट्रैफिक निकाला जा रहा है। परंतु जैसे ही ये हादसा हुआ वहाँ पर उप जिलाधिकारी पहुँच गए थे। उन्होंने बताया कि PWD के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जिससे जल्द ही मार्ग दुरुस्त कर दिया जाएगा और यातायात सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। ए इस द न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बिजनौर। आप हमारी खबरों को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।